प्रशांत किशोर ने आखिरकार राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा कर दी है। उनका जन स्वराज अभियान 2 अक्टूबर को राजनीतिक पार्टी शुरू करेगा। इस बैठक में जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की उपस्थिति में 3 बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारत रत्न और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ने प्रशांत किशोर की उपस्थिति में जनसुराज की सदस्यता ली। दूसरा नाम है 2024 लोकसभा चुनाव में बक्सर से निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व आईपीएस ऑफिसर आनंद मिश्रा का, जिन्होंने जनसुराज की सदस्यता ली। प्रशांत किशोर ने अगले चुनाव में राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य बिहार में राजनीतिक परिदृश्य को बदलना है। उन्होंने कहा कि हम बिहार की सूरत बदलने के मिशन के साथ आए हैं, न कि 20-25 सीटें जीतने के लिए। ये जनसुराज उसी मुहिम में लगा है जिस मुहिम और जिस मकसद को लेकर मैं आया था और रह रहा हूँ। तो क्यों हम दो भाई दो अलग अलग रास्तों में प्रयास करें, जब प्रयास बिहार के हित और बिहारियों के उत्थान के लिए है तो मिलके क्यों ना किया जाए। इसलिए अब हम लोग मिलके जनसुराज के थ्रू बिहार की सेवा में लगते हैं। अब मैं क्योंकि जनसुराज का ही पार्ट हूँ तो जनसुराज विधानसभा में 243 सीटों पर जब लड़ रही है तो पूरी तरह से हम लोग अपना एफर्ट और पूरा लगाएंगे कि जो इनका है ना कि आप सही लोग आएँ, सही सोच के साथ आए और सामूहिक प्रयास से करें, तो यही तीनों चीज़ परिलक्षित होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में जनसुराज सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर के आएगी। आने वाले